ماہرہ خان، عاطف اسلم، حریم فاروق. Sixth Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. आँखों के इशारे सारे मुझको बता दो, सांसों में उतर के तुम्हारी माँ अभी तक सो रहे हो? मैं जानू, अरे आठ सात दिन की जल्दी कैसे हो सकते? एक काम करते शाम की टिकट करा लेते। हाँ हाँ, घर वालों को कहती हूँ कि मैं लड़के के साथ भाग रहा हूँ, दोनों को स्टेशन तक भी छोड़ा है। तो वो लड़को मैं तो आ रही हूँ। सोना नहीं। कैसी बात कर दी जानू? मैं को मैं अभी तैयार हूँ। मैं घर से भाग रही हूं, आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और हाँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, प्यार किया मैंने और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। राइट। जब नजर ही नहीं चाहिए। हाँ, कहाँ तक पहुँचे हो? हाँ हाँ, आ रहा हूँ भाई। भाई भाई भाई, 10 मिनट का रास्ता रह गया, अभी कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ? अच्छा ठहरो, एक रिक्शा नजर आया। रिक्शा नजर आया, जल्दी पहुँचो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। बस 20 मिनट तुम्हारे पास पहुँच गया मेरी जान, तुम चलाओ 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 चलाओ। देखो मैं स्टेशन पे पहुँच गई तो मुझे सच बताओ तुम हो कहाँ? मैं रास्ते में हूँ, बहुत रश है, आ रहा हूँ बस।
क्यों देर कर रहे हो, प्लीज जल्दी निकलो ना। अरे बेफिक्र रहो मेरी जान, फरारी में आ रहा हूँ मैं। मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास। यार तुझे पंजाब जाने की जरूरत ही क्या थी, जब तुझे यहाँ नौकरी नहीं मिली तो पंजाब में क्या मिलेगी। 20 मिनट जान रहो, अगर ये मीटिंग मिस हुई या तेरी ट्रेन छूटी, मैं तुझे बता रहा हूँ वापस मत आना, वहीं पे मर जाना तू। अरे ये क्या हुआ भाईजान, अबे क्या हुआ भाई, पंचर हो गया। गुड, आई एम सॉरी मेरी जान, ट्रेन मिस हो गई और अगली 3 घंटे बाद। मिस हो गई? यार तुझे अंदाजा है कि मैंने बाजी से उधार पैसे लेके तुझे टिकट लेके दी थी, मिस कैसे कर दी तूने? अरे तू परेशान ना हो, जो होता है अच्छे के लिए। तेरा अच्छा बुरा ना इस फ्लैट का मालिक अमेरिका से वापस आके करेगा। 6 महीने से हमने इस फ्लैट का रेंट नहीं दिया, और रेंट भी वो जो वो शरीफ आदमी उन्होंने पौने लेता है हमसे। अच्छा चल फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। और मेरी बात, ओए अच्छा है, लेकिन अगर धूप का कुछ इंतजाम कर लेती तो और बेहतर हो जाता। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ से उठे, कौन है आप? मैं तो उठ जाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ उठने के लिए आई हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी टाइमिंग कुछ आउट है। आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? यू समझ लीजिए कि मुझे मौत के फरिश्ते ने भेजा है आपको बताने के लिए कि वो थोड़े लेट हो जाएंगे, यानी अगली ट्रेन 3 घंटे बाद। क्या 3 घंटे के बाद आएगी ट्रेन? जनाब, और अगर आप यहीं बैठी रहीं तो यकीनन धूप में काली हो जाएंगी। मैं मरने जा रही हूँ, अपना रिश्ता करवाने नहीं जा रही। काली होके मरूं या गोरी होके मरूं, मेरी जिंदगी है, क्या फर्क पड़ता है मुझे? अरे फर्क पड़ता है, आपने सुना नहीं, इंसान जिस रूप में मरता है रूह भी उसी रूप में जाती है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कयामत वाले दिन आपके घर वाला को पहचान ना सके? देखो मिस्टर, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं किस कदर परेशान हूँ, और आपकी जो ये बातें है ना, मेरा इरादा नहीं बदल सकती। मैं आपका इरादा बिल्कुल नहीं बदलना चाहता। अरे मैं तो चाहता हूँ आप इस वक्त मरे यहाँ पर। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं हूँ एक राइटर, रीएनैक्टमेंट्स लिखता हूँ, सस्ती सस्ती बड़े बड़े चांस। तो मैं तो 100% यही चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स के साथ उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे गुजारे जो अभी अपनी जान लेने लगा है। दिस कुड बी द बिग ब्रेक दैट आई वांट। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। आपने अपना मेंटल चेकअप लास्ट टाइम कब करवाया था? यही मसला तुम खूबसूरत लड़कियों का, मर जाना गरीब के काम ना आना। अबे चलो उठो, भागो यहाँ से। वैसे मैं तुम्हारे एक बहुत खास काम भी आ सकता हूँ। मिस्टर मैं मरने वाली हूँ, मुझे किसी काम की अब कोई परवाह नहीं है। नहीं है, लेकिन जिसके लिए मरने जा रही हो शायद उसके लिए कोई देने वाला पैगाम। ये फोन है मेरा, लास्ट कॉल उसी को की है, विकी नाम है उसका, उसको बोल देना। उसको बोला नहीं आए, फाइन मरने जा रही हूँ, लेकिन मरने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उसकी जान छोड़ दूंगी। मर के भी ना बदरू बनके उसकी जान नहीं छोड़ूंगी, सारी जिंदगी इसके पीछे रहूंगी। हाँ है, ठीक है ठीक है, दो चार गालियां मैं अपनी तरफ से खुद जोड़ लूंगा। चलो एक काम करता हूँ, और तुम्हें जिंदगी में आखिरी बार कुछ खिलाई दूं। बाय द वे हसन, रानिया वैसे तुम्हारी सुसाइड का सुन के ना मुझे मिका पाजी का किस्सा याद आ गया। मिका पाजी एक सरदार जी थे जो एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ना चौथी मंजिल पे काम कर रहे थे। तो उनको अचानक किसी ने आवाज गाई, ओ मिका पाजी गजब हो गया पाजी, और तुम्हारी बेटी ने मुंह काला करा देता पूरे मोहल्ले चो किसी मुंडे नाल नस गई हो। मिका पाजी को हम लग गया, उसने छलांग लगा दी चौथी मंजिल से। अब होता क्या है कि मरने से पहले ना
इंसान की सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह गुजरती है। तो जब तीसरी मंजिल पे मेकअप पाजी पहुंचे तो उनको फ्लैशबैक नजर आया कि उनकी तो कोई बेटी नहीं। दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो उनको एक और फ्लैश आया, इसने उनको दिखाई दिया कि उसकी तो शादी नहीं हुई। और जब मेकअप पाजी पहली मंजिल पे पहुंचे तो उनको दिखाई दिया कि उसका नाम तो मेकअप पाजी आया ही नहीं। ओ हेलो मिस्टर, अगर तुमने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाना है तो मैं जा। अरे रे रे रे, बैठो 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 रानिया मैडम, मैं तो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी तीन घंटे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मूड हल्का कर रहा हूँ तुम्हारा। खुद बताओ, अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजरनी है, तुम्हारा चेहरा धड़ से कट के दूर जा गिरेगा लेकिन उस पे एक स्माइल होगी। मैं उसकी पिक्चर लूंगा, उसे इंस्टाग्राम पे डालूंगा और कैप्शन दूंगा #bringingsmiles। जस्ट किडिंग, मेरे ख्याल से इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी, या आपने जो जॉगर पहने या आपने रोजमर्रा की जिंदगी में पहनती हैं या खास भागने के लिए पहने? अच्छा अच्छा, सीरियस सीरियस, आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। सवाल नंबर दो, क्या धोखा इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए अपनी जान ले ली जाए? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रोक हर गिज नहीं रहा। डिपेंड करता है धोखा दिया किसने। वैसे ही बात अपनी ठीक है, जो आपके दिल के जितने ज्यादा करीब हो उसका दिया हुआ धोखा उतनी ही ज्यादा चोट पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि क्या वो शख्स वाकई आपके इतने करीब है या सिर्फ आप उसे इतने करीब समझती हैं? नहीं, प्यार तो करता था मुझे। अगर प्यार ना करता तो वेडिंग रिंग पे अपना नाम क्यों लिखवाता, विकी लिखवाया था उसने। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आया और ऐसा कैसे कोई कर सकता है? I'm sorry madam, लेकिन मैं ऐसे प्लेयर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता जो प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे और फाइनल के दिन आए ना। ना मैडम, डाउट है, डाउट है। अगला सवाल, आप उससे आखिरी बार कब मिली? अब ये कैसा सवाल है, पहली बार का पूछो ना। अरे यार, वो ट्रेन का टाइम हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, आखिरी बार बता दो। 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी में। 2 महीने पहले? हाँ। यानी तब से लेके अब तक रिलेशनशिप पूरा फोन पे है। तो बीच में छुट्टियां आ गई थी ना। मैडम जी, उसका व्हाट्सएप चेक करो, अभी तक पता नहीं कितने अफेयर चला चुका होगा। लेकिन आप तो व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर सकते, आप तो मरने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागने का प्लान किसका था और क्यों? मेरा अबू बहुत गुस्से वाले, हमारे खानदान में ना जात से बाहर शादी नहीं करते। विकी किसी और कास्ट का है, यूनिवर्सिटी में मुझे मिला, प्यार हो गया इसलिए। तो अम्मी को बोलो। अम्मी नहीं है, मेरे पैदा होते ही मर गई। साथ कुछ लाई हो? मतलब कोई सोना, कोई जेवर? नहीं। और उसे भी मालूम है कि तुम यूं ही आ गई? हाँ। इसलिए तो नहीं आया वो। मतलब एक तो वो वेला स्टूडेंट, ऊपर से तुम कुछ नहीं लाई, तो मतलब प्लान क्या था, अगले शहर जाएंगे भाग के और वहां जाके भीख मांगेंगे? देखो मैडम, टोटल पैकेज देखना पड़ता है यार। मतलब अब सिर्फ इस चेहरे के लिए वो तो क्या, मैं भी ना जाऊं, जितनी भी एंजेलिना जोली नहीं हो तुम। अब इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं मैं। ये बात भी वैसे थोड़ी थोड़ी सच है। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम जी, के घर वालों को बताया भी तो जा सकता था कि प्यार हो गया। मेरी फैमिली कभी नहीं समझेगी। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते जो अपनी औलाद को ना समझे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, काफी अरसे से बेटी नहीं हुई थी ना, मैं अपने खानदान में बहुत अरसे के बाद हुई। नॉर्मली घरों में बेटों की दुआएं की जाती हैं, मेरे घर में बेटी की दुआ की जाती थी कि बेटी हो, अल्लाह अल्लाह करके मैं पैदा हुई। सबने बहुत प्यार दिया, शहजादियों की तरह मुझे पाला, शायद उसी प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मैंने कदर नहीं की सबकी ना, और अब समझ नहीं आ रही उनका सामना कैसे करूँ, कैसे फेस करूँ। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये इंसानी फितरत है कि जब हमें कोई चीज बिना मांगे कसरत से मिल जाए तो उसकी कदर कर ही नहीं सकता। लो जी मैडम, तो मेरे सवालों का तजिया कुछ यूं है कि पहली बात तो ये कि दुनिया में कोई भी शख्स इस काबिल नहीं है कि उसके लिए अपनी जान दी जाए। दूसरी बात ये कि तुम्हारा ये शख्स तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं लग रहा जो तुम्हें जिंदगी के इतने अहम स्टेशन पर छोड़कर चला गया। पता अच्छा ही हुआ कि उसने प्रूव कर दिया कि भाई मैं तो अनरिलायबल हूँ, मेरे साथ जिंदगी ना गुजारो। और रही बात कि तुम अपने घर वालों को फेस कैसे करोगे, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वहां पर तुम गलत हो।
यू आर बीइंग सेल्फिश, तुम उनके बारे में तो सोच ही नहीं रही, अपने बारे में सोच रही हो। मुझे खुद बताओ, कुछ देर बाद जब ट्रेन तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगी तुम्हें कुचल कर, तो तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके तुम्हारे घर वालों को भेजा जाएगा, क्या गुजरेगी उन पर? मर जाएंगे वो। अब रह गया आखिरी मसला, जो किसी हद तक ठीक है कि अब ये सब ड्रामा कर लिया तो अब घर जाके बताओगी क्या? तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, उसमें कुछ यूं कर सकते हैं। मेरी अगली ट्रेन है भाई कोई तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। क्या नाम था उसका? विकी। विकी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊं, और हम ये कहते हैं कि भागने का प्लान मेरा था लेकिन तुम चाहती थी कि घर वालों से मिलकर उनकी इजाजत लेकर भागा जाए, लेकिन मैं एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होने की ऐसी एक्टिंग करूंगा, उन्हें बुरा भला कहूंगा जिस पर तुम मुझसे लड़ोगी, और सारी अच्छाई तुम्हारी तरफ, सारी बुराई मेरी तरफ, और अगर इंशाल्लाह एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान तो वो मुझे खुद अगली ट्रेन पर बांध के भेज देंगे। कैसा? क्या देख रही हो? देख रही हो इतने बेवकूफ होने जितने लगते हो। अभी ये तारीफ थी या बेइज्जती? जो भी समझो। अच्छा एक बात बताओ, क्यों कर रहे हो सब कुछ? देखो मैडम, राइटर हूं ना, फलसफे में सोचता हूँ, तो मेरा एक फलसफा है कि हर इंसान अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो खुद होता है, तो मैं भी अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो खुद हूँ। हीरो अब आके लोगों की जान नहीं बचाएगा तो और क्या करेगा? सोचो सोचो, ज्यादा और देर तक ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगी। हाँ कर लोगे? हो पाएगा तुमसे? अरे लिख के देता हूँ, हीरो ने करना क्या है, तो हीरो नहीं बन सकता। अब वो मेरे बॉस सख्त, मैं बता रही हूँ पहले। अरे अब तुमने तुम्हें अभी मेरे क्या देखा? बात बात में करते, गन पहले चलाते हैं। पक्का चले? चले चले। हाथ दो। तू चैन नहीं लैन दिंदा, मगर कुछ होया ना सारा कसूर तेरा होएगा। क्यों, मैं की कीता? अरे तू तो इन्ना आकड़ के घर चलता है जिस तरह सारिया ने तेरा उधार देना हो। हो गया जे कुड़ी नस गई है मुंडे नाल, तू अपनी गल कर, जो तू अपनी बीवी नू ना उदे घर ही देखण गया सी। ओ अम्मा जी, वो खानदान दी सी, मैं खानदान च गया सी, बाहर नहीं गया सी कोई। आए पागला, ओ जमाने गए, अजकल ते इंटरशेट दा जमाना है। इंटरशेट नहीं, इंटरनेट बेबे। आहो ओई होई, अजकल दी कुड़ियां जड़ियां ना वो मुंडिया नाल उससे गल करदियां ने, ओ की सब 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 कुछ इस तरह दा व्हाट्सएप। आहा ओ होई, ये ए कुछ होया ना तो मैं नहीं तेनु छड़ना जबरान। अब्बा जी तुसी गल कराओ मनाल, मैनु की कह रही? ओहो भाई जान, पापा जी नु की कह रहे हो? उन्होंने फिर बेइज्जती करानी अपनी माँ जी को। बेबी जी रानी बाजी आ गई है, साथ में कोई लड़का भी है। हाय रानिया, हां मुंडा आ गया, चलो नचिए चलो। हुन मैनु ना रोकना, मैं मार देना किसी नु। ओ जबरान, ओ मेरी पोती नहीं है, ये बेटी है। चलो माजी छेती छेती। तुम तैयार हो ना? मेरे मुंह बहुत गुस्से वाले। अरे मैं तो तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए लतीफे सुना रहा था, तुमने मेरे गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर लिया। कराची में लोग मेरा नाम सुनकर डर जाते हैं। देखो देखो देखो,
जान का मजाक नहीं है। अपने अबू को बोलो कि ये गन अंदर कर ले, वरना मैं सब सच सच बता दूं। संभालो खुद को, मेरे घर वाले कहेंगे गिफ्ट को बचाने के लिए चलो। अब जिंदा रहूंगा तो संभालूंगा ना खुद को। देखिए अंकल, देखें बात सुने अंकल, अब तो ऑनर किलिंग पे भी सजा हो जाती है, कानून बदल चुके हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू पंजाबी फिल्म की विलन है, मैं रास्ते से बुलेट प्रूफ जैकेट लेता था। बड़े हीरो बन रहे थे ना, बड़े डायलॉग मारे थे, अब केस करो ना। देखिए अंकल, अब तो मैं आपकी बेटी वापस ले आऊं सही सलामत, अब किस बात का गुस्सा? मैं तो वैसे भी जा रहा था। और जो तूने हमारी बेइज्जती की है उसका हिसाब कौन देगा? हां छोड़ तो मुझे मैं कुवारा नहीं मिलना था तो तुम्हें अल्लाह रसूल के वास्ते। नहीं तो मुझे क्या लेकर आए हो, जब मैं अकेले फेस नहीं कर सकती? मेरी माँ तेरे फेस करने के चक्कर में ऊपर का टिकट कट जाएगा। मैं जुटी ला ले रही है। हरकत आपने बड़ी बगैरतों वाली की है, पर हो हैंडसम माय सेल्फ। छीमो कुड़ी दी पुप्पो। नाम की है तेरा? हसन। हसन माँ जी, इन्हें तो शबीर नहीं लिखी ऐसी खाते ओ, और शबीर नहीं विकी लिखी ऐसी विकी। हाँ जी, वो असल में विकी मेरा पेट नेम है, प्यार से कहते हैं, वैसे नाम मेरा हसन। अच्छा तो शबीर तुसी कर दे की हो? हसन मैं कुछ नहीं करता, बचपन से वेला मारे बैठता हूँ, बाप का पैसा बहुत है वो खर्च कर, लेकिन घर के सारे काम कर लेता, कचरा भी बाहर जाकर नहीं फेंकता। यानी बाप का बहुत सारा पैसा है, हमारी बच्ची राज करेगी। ऐसो के खानदान के रहते ना? मेरा कोई खानदान नहीं, हम बहुत अंग्रेज किस्म के लोग हैं। मेरे अब्बा और अम्मा एक मेले में मिले थे, बल्कि अब्बा को भी आज तक नहीं पता कि अम्मा कहाँ से, और अम्मी को भी नहीं पता कि अब्बू कहाँ। मतलब जो खानदानी किस्म के लोग होते हैं ना, बस समझे हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट। वाह 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 वाह, क्या सोच है, तो दिल खुश कर देता है तुझे। आपने शायद सुना नहीं। नहीं नहीं पुत्र, बंदा सबसे पहले इंसान है फिर कुछ और है, तुझे भी कुछ सीखो पाई जाना। पुत्र जी, अपना शादी का क्या इरादा है? कोई प्लान नहीं है, बस शादी करूंगा और खत्म। और तेरे घर वाले शरीक नहीं होंगे शादी में? बिल्कुल नहीं, असल मेरे बाप ने बहुत पहले कह दिया था कि शादी तू भगा कर ही करेगा, क्योंकि तेरे ऊपर मैंने एक रुपया नहीं लगा, बस सिर्फ लड़की भगा कर घर ले आएगा फिर देखी जाएगी। वाह 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 वाह, बड़े लोगों की बड़ी सोच। और तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है या कोई और ही ऑडियो आ रही है? और बुंडा कह रहा है उसका कोई खानदान ही नहीं है। आप खानदान की बात करते हैं, अभी तो आपने मेरे और रंग देखे ही कहा है। हसन बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं रानिया, मैं नहीं बैठूंगा। मैं क्यों बैठूं? अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था, इन लोगों से मिलना ही नहीं चाह रहा था, ऐसे जी वो गरीब किस्म के लोग हैं। मैं बात बता दूं मिस रानिया, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। मुझे कोई ना रोक, वो मैंने दोनों को लिया साथ ही। पाजी, क्यों गया सारे अनु? हौसला करो जरा, साड़ी कुड़ी नू लेके आए कर, उन्हें इज्जत रखी है। मैं तो कहनी हां इस तो चंगा मुंडा रानिया नहीं हो ही नहीं सकता इस तरह अलावा, तो मेरी तरफों तो इधर ही हाँ है। पर छीमो सही कह रही है, अगर इस लड़के ने ना मानना होता ना तो अब तक ये हमारी लड़की को लेके ट्रेन में कहीं हमसे दूर चला गया होता। तो तू मेरी एक बात सुन, तू चाहे हमसे कितनी नफरत कर ले, हमसे ना आके मिल, लेकिन एक बात याद रखो, हैरानी है ना, ये साड़ी जान है, साड़ी जिगर है, ये वादा कर कि तू इस नो साड़े कोल भेजेगा मिलने के लिए। लड़का दिखाने लाई थी, लड़का ना वो मोबाइल हो गया, मेरा देखे सिलेक्ट कर लिया, तुम भाग हो चुकी। वो पुत्र तू चाहता है हर चीज सादगी से हो ना, हर चीज सादगी से होगी, बल्कि ये शादी भी आज ही होगी। बल्ले भाई बल्ले, मैं तो कहती हूँ आज ही मौलवी बुला के निकाह पढ़वा देते। एक सेकंड, जल्दी करने की जरूरत भी क्या है, अब थोड़ा सा एहतमाम करता है इंसान, कुछ कोई बंदा घोड़ी पे चढ़ता है कुछ
कुछ फायर वर्क होते हैं आज नहीं कल कर ले बेशक कल। ओ नहीं नहीं भाई, मौलवी साहब का कल अपना निकाह है। अरे मौलवी साहब तो शादी शुदा है, दूजा निकाह है माँ जी। कर लो गल, उन्हें दो दो कीती हैं, तू एक भी नहीं कीती। ओहो माँ जी मैनू तो छोड़ो ना, बाबा जी तानू कबूल है और तानू मैनू कबूल है, मैं सारे तो मुंह मीठा करा दी, बहुत खुशी का दिन है, ऐसी मिठाई 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 लेके आनी है, बड़ी अच्छी चंगी गल होगी, तो खुशी दिखा पा रहे, शादी होगी कल। क्या तकलीफ किस पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ चला आया। मैंने ये क्यों सोचा कि ये भी तो हो सकता है। बहुत शौक होता है ना वाकई में, बहुत शौक होता है लड़कों के लड़कियों के सामने हीरो बनने का, यही अंजाम। दमाजी दमाजी अद्धा घंटा हो गया तुसी अंदर हो ते चीखा भी मार रहे हो, किधरे थानू कब से नहीं हो गई। नहीं नहीं फुफो कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। बेटा जी शर्मान की लोड़ नहीं है, हकीम आशिक की मजून है साडे कोल। ओ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। लगता है मुंडा शर्मा रहे है। दमाद जी मैं मजून लेकर आती हूँ, नो फियर फुफो इज हियर। लगता है कब्जा ही मसला है। चल बे हासिम बेटा, इससे पहले तेरे कुवारेपन का गारंटी कार्ड एक्सपायर हो, निकल ले यहाँ से। तेरे घंटे से बॉस में क्या कर रहे थे, भागे क्यों नहीं बेटा? मैं अंदर बैठा था, हिसाब लगा रहा था कि मैंने कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मिल रही है। तो गलती तुम्हारी अपनी है, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी मदद करने के बहाने पहुंचे। मैं मदद करने के लिए आया, अपनी जिंदगी प्लेट में रखकर पेश करने के लिए नहीं आया था। इस कदर घटिया बना, नीच बना, बेशरम बना, फिर भी तुम्हारे घर वाले मान गए। मुझे अंदाजा नहीं था निसरानिया तुमसे इतना तंग है वो। जस्ट शट अप ओके, मेरे घर वालों के बारे में कोई बात करो तो एक दूंगी। प्यार करते मुझसे इसलिए हर बात को पॉजिटिव ले रहे, समझ आई है? हाँ भैया निकलो शाबाश। ऐसे तुम जैसी लड़कियों की जितनी नाशुक्री होती हैं, तुम्हारे साथ गरीब बंदा नेकी करे और डूब मरे। तो किसने कहा था नेकी करने के लिए, मरना ही देते ना मुझे। अगली दफा मुझे अगर रेल की पटरी पे कोई लड़की पड़ी हुई मिली तो मैं उसे नहीं बचाऊंगा, बांध दूंगा, मरने दूंगा, गुजरने दूंगा ट्रेन उसके ऊपर से। अब जाओ अपने अब्बा से सब सच सच बता दो, मैं नहीं कर रहा ये काम। पागल हो गए, देख रहे सब कितने खुश है, दादी फूफी अम्मी, मैं नहीं बता सकती, मुझमें हिम्मत नहीं उनका दिल तोड़ने की, तुम में है ना, तुम जाके बता दो। तो तुम ऐसे बंदे से निकाह कर लोगी जिससे अभी अभी मिली हो, लेकिन इनका दिल नहीं टूटने दोगी। हाँ तो तुम्हें तो कहा था राइटर साहब कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ, तो हीरो साहब अब कुछ करे, निकाले हमें इस मुसीबत से, करे ना कोई ड्रामा। देखो तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेल वाली लाइन जो है ना ये नहीं चलेंगी। Whatever. मैं नहीं बात कर तुम्हारे बाप से, बाप का मैं सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा है, बाप के ने जॉब गन निकाल लिया। ओए ओए मेरे अब्बू के मरम को बहुत कीन हो तुम, उसे गन से गोले मारोगे तुम्हें। शुक्र है तुमसे शादी नहीं हुई, तो भी मोगैम्बो के इलाज से कम नहीं वैसे। तुम मेरी कौन सी पहली मोहब्बत हो? मुझसे कोई मोहब्बत की मतलब खैर है? हां जी दादाजी सब खैर है, मैंने बस मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। ओहो पुत्र परेशान हो गई, कोई लोड़ नहीं, रानी ही नहीं मैं तोड़ा भी दादा हूँ। वो असल में ना दादा जी बात हाँ दस दस नानू दस जी जी बोल रहा हूँ। वो ऐसे मैं चाह रहा था दादा जी कि मैं शेरवानी जो है ना वो काली पहन। परेशान हो गई कोई लोड़ नहीं, जो तू कहेगा वही होएगा। ओए रानिया गल सुन जी दादाजी, सब नु घर में दस दे, जो ए चाहेगा वही होएगा, मेरा हुक्म है जी दादाजी। ब्लैक शेर मैं तो क्या करता, मैं इतने क्यों दादा तुम्हारे, अब तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा इनका दिल तोड़ने का, पर यहां से भागना तो है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझसे क्या करवा रही हो? मैं करवा रही हूँ, सारा प्लान तुम्हारा था, तुम मुझे यहाँ लेकर आए और कह रहे मैं करवा रही हूँ। मैं कह रही चुप करके यहाँ से भाग जाओ वरना दोनों का निकाल करा के हम दोनों को निकाल देंगे। कितने तंग है भाई ये तुम? तंग नहीं है, तंग नहीं है, हमारे घर का रिवाज है कि लड़की शादी के बाद घर में नहीं रहती, समझ आई? और तुमने भी तो इतनी लंबी लंबी छोड़ी, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, ये है वो है, फुकरे। हाँ
कहाँ जा रहे हो भैया? नहीं नहीं, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था बस, ऐसे थोड़ी सी जॉगिंग बस कर रहा था। अच्छी होती है सेहत के लिए। एक्सरसाइज का टाइम सुबह सुबह का होता है, मैं भी सुबह 5 बजे भागता हूँ। कैसे तू ही मेरे साथ भागेगा और साथ भाग के दिखाऊंगा तुझे कि मैं तो सिर्फ तेज भागता हूँ। जी मुझे आपको देख के अंदाजा हो रहा है आप मुझसे ज्यादा तेज है। मेरा निशाना ही बहुत तेज है, आजकल कोई शिकार नहीं लग रहा। शिकार मिलेगा तो मजा आए। आओ तुम्हें शिकार की किस्सा सुनाता हूँ, आ जाओ। चले चल। 1975 की बात है, मैं अफ्रीका के जंगलों में एक शेर के पीछे भाग रहा था और शेर के पीछे मैं भागते भागते मैंने देखा कि मैं तो शेर के पीछे भाग ही रहा, शेर मेरे पीछे भाग रहा है। तुम इससे बैठ जाओ। तो मैं जी शेव कराने जा रहा था। ये क्या है? अंदर। वो ढूंढ रहा था बैतुल खला। हैं? कौन सा खला? वॉशरूम। मैंने पता चल गया है ना, वो ताड़े सिस्टम गड़बड़ है ना, मैं हकीम को लो कह के ना स्पेशल थक्की बनवा रही हूँ। हाँ, शुक्रिया पप्पो। अच्छा वो अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ, दस दस क्यों है? वो कुछ प्रॉब्लम है, हुआ कुछ यूँ है कि मेरे अब्बू को ना हार्ट अटैक। रानिया मेरी बात समझ नहीं ली, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। बस एनी जी गल है ना, तेरा तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ मैं ताड़ा मसला भी हल कर देंगी ते रानिया का मसला भी हल कर देंगी। पुत्र जी हैव नो फियर, फूफो जी इज हियर। चलो अंदर फिर चलो। हुमायूं सईद, कुबरा खान, हमजा अली अब्बासी, सिक्स्थ हम अवार्ड, सैटरडे 28 जुलाई 2018। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। अरे नहीं आप खाए ना फूफो, आप जैसे फूफो हर किसी के पास हो तो मौत के फरिश्ते का काम खत्म हो जाएगा। देख बेटा मैं अपनी बेटी दे तो रहा हूँ लेकिन तेरा शराब कार्ड मेरे ही पास है। हाँ शिकारी में बड़ा वक्त है आपको। बहुत ही घटिया हरकत की है तूने। तुझे पता था ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा यार, मैं चले जाऊंगा अपनी बहन के घर। तू खाना यहाँ होटलों के खाने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं और मुझे मेडिकल कॉलेज वाले ले जाएं। नहीं यार ये जो हरकत की है ना। हेलो जुल्फी। रानिया बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू तो। तू तो कहता था कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, 5 वक्त के नमाजी, ये बच्ची कौन है? ये ना मेरी बेबी है। बस उसे कोई ग्रेवी नहीं देता होटल वाला। ये सबक मुझे जैसी बच्ची किसने दे दी?
तुम जरा मेरे साथ आना, मैंने जरूरी बात करनी तुमसे। क्या था ना, एक दिन तू मेरे पास इसी तरह से आया था, रोता हुआ कि मेरे पास एडवांस के पैसे नहीं है, जगह दे दो, मैंने रखा था तुझे, आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अच्छा अच्छा बस कर, कैमरे के आगे कुछ होता नहीं, अच्छा यहाँ खड़ा ड्रामा कर रहा है, चल निकल। तुझे पता ना मैं अच्छा एक्टर हूँ, तू बस मेरा दिन आने दे। अवार्ड लेते हुए ना ये कहूंगा कि तूने मुझे फ्लैट से निकाला था। अरे तो तू बहन के घर ही जा रहा है ना, अभी तो कह रहा था कौन सा सड़क पे फेंक रहा हूँ मैं तुझे, चल। उनके तो 8 बच्चे हैं यार। तो फिर तो उनको एडजस्ट करने की आदत होगी ना, चल निकल और फ्लैट की चाबी दे। अबे दे, 10 दिन बाद वापस होगा तू यहाँ, चल। अल्लाह हाफिज़। बात सुनो मैडम, ये सब कुछ खा पी के ना सफाई भी कर लेना, यहाँ पे सारे काम अपने खुद करने पड़ते हैं, तुम्हारे अब्बे का महल नहीं है ये। ओ हेलो, तुमने क्या इस निकाह को काफी सीरियसली ले लिया? देख रही हूँ बड़ा रोब जमा रहे हो मुझ पे, बीवी शीवी नहीं हो तुम्हारी और घर का काम शाम नहीं मुझसे होगा, बचपन से सब कुछ किया कराया मिला मुझे। अच्छा जी, तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम भी जाके जुल्फी की बहन के घर एडजस्ट कर लो। अंदर कहाँ जा रहे हो, अंदर कहाँ जा रहे हो, मैं सोने जा रही हूँ अंदर, चलो निकलो बाहर कहीं भी सो जाके, चलो। अच्छा जी, ओ तो ये वो फिल्मी सीन आना है जहाँ लड़का लड़की का लिहाज करते हुए अपना बेडरूम उसे दे देता है और खुद सोफे पे सो जाता है। मेरा सोफा और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हसन तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे क्या देख रहे हो, भूख लग रही थी, खाना ऑर्डर कर लिया बाहर से। तो मैडम जो घर में इतना पड़ा है। कितनी बार कहा है गजनी मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन लगता तुम्हें समझ नहीं आती। हर बार तो चाय बनाइए, ट्राई करोगे? वाह यस, पता था कुछ गड़बड़ है। इसलिए पहले मुझ पे टेस्टिंग की ना। यानी आपने आज गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहली बार बनाई है। वन सेकंड, ये याद आया, ये गोल्ड की चेन है मेरे पास, बेच लो, कोई आया शायद रख लो घर में। मासी खाना छाना मुझसे नहीं बनता, गन में बहुत मजा आती है, उससे मैं बाज नहीं आ सकती। जब तक हूँ याशी वालों, जब चली जाऊंगी तो देखा जाएगा, और ये सोचो मेरे घर जाने का क्या जुगाड़ लगाए। हाँ वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तुम अपने घर कॉल करोगी और अपने घर वालों के कान में एक बात डालोगी कि हसन के ना चेस्ट में कभी कभी पेन रहता है और ये कि मेरी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। ये कहने के बाद तुम एक हफ्ते बाद मेरा नकली डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाओगे और सब तुम्हारी बात मान लेंगे। वाह दोस्त, क्या बात है, हाँ शक्ल से तो तुम बड़े शरीफ लगते हो, हो एक नंबर के फ्रॉड राइटर हूँ, शायद भूल रही हैं आप। बिल्कुल वही तो। ठीक है जी, तो बस अब पहला मौका ढूंढते ही ये हार्ट अटैक वाली कहानी उनके कान में डाल देना। डन है, ये ठीक है। चाइनीज? ना भाई ना, थैंक यू वेरी मच, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, बहुत अनहेल्दी होता है। सच अ बोरिंग मैन, पता नहीं कैसे लाइफ गुजारता है। आगे एक हफ्ता हो ना, देख लेना। और मैं मेरे ख्याल से फिर सफाई कर लूं। वैसे शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। है ना, बहुत अच्छे लगते हो। जान रैम्बो नाम है मेरा।
बस ना, सब खैरियत है ना? तू खुश से है ना अड़िए? हाँ पुप्पो, सब ठीक है। हसन के घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, हसन भी बहुत अच्छे हैं। पुप्पो एक बात बताऊं, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? की गल है? एक मिनट, मैनू पता है। तेनू पता चल गया कि हसन नु कब्ज रहंदी है ना? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं पुप्पो, लेकिन कुछ दिनों से ना हसन के सीने में दर्द है। हाय मैं मर गई, सीने च क्यों दर्द होंदी उदे? हाँ दरअसल ना चाचा की डेथ का बहुत गम लिया उसने। हाय इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, चाचा जी दी डेथ हो गए ने? किवें? हार्ट अटैक से ना पुप्पो, चाचा को ताया का गम था, उनकी डेथ हुई ना कुछ अर्सा पहले। ताया जी भी गुजर गए? ओ किवें? हाँ ना पुप्पो, दरअसल ताया जी ने ना दादा की डेथ का गम ले लिया था। दादा जी भी खर्च हो गए ने? हाय सारे लगे जा रहे ने। मेरी गाल सुन, हसन दा फौरन सदका दे, फौरन फौरन। अच्छा पुप्पो मुझे ना और काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अभी तक तो पूरे शहर को पता चल चुका होगा क्योंकि पुप्पो के पेट में कोई बात नहीं पचती। क्या कद्दू जैसा मुंह बनाया है, अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं। नहीं यार, मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ झूठ बोल के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो हम अपनी कौन सी खुशी से बोल रहे हैं, मजबूरी थी, फंसे हुए थे, बोल दिया। इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। काश उस दिन हम सच बोल देते। अगर सच बता देते तो आज इतने खूबसूरत चांद के नीचे यहाँ कैसे होते? मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मैं आके बैठना बहुत पसंद करता हूँ। राइटर हो ना, इसलिए फिल्मी जगह अच्छी लगती है शायद। तो क्या लिखते हो तुम? बताया था ना मैंने, रीएनएक्टमेंट्स। वो क्या है? अरे क्राइम स्टोरीज जो होती हैं सस्ती सस्ती। वो कौन देखता है, लव स्टोरीज क्यों नहीं दिखते? क्योंकि मुझे लव के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ तो अपनी लव स्टोरी लिखो ना, थोड़ा सा तड़का लगा के। ओके अच्छा प्लीज, अब किसी को बताना नहीं, लेकिन बात यह है कि मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं है। Like seriously man, no way, सच्ची? दिखते तो अच्छे खासे हो। हाँ थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है, बट लड़की का बिल्कुल ना मिलना तो जरा अजीब सी बात है ना। क्यों नहीं लड़की? बस रिश्ता टूट ना जाए इस डर से कभी जोड़ा ही नहीं। कुछ भी नहीं होता ना यार, मुझे देखो ठीक हूँ ना? हाँ थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, दर्द में भी अपना मजा है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझ में और तुम में बहुत फर्क है रानिया, तुम्हें संभालने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रिश्तों की कमी है, तुम कभी अपनों के पास नहीं रहे। आई मीन योर फादर योर मदर, काफी गैप लग रहा है मुझे, ऐसा है ना? ओके फाइन, नहीं करती मैं वीडियो वाले सवाल, बट ऐसा तो है दोस्त कि तुम ना खुद को रोकते हो प्यार होने से। शायद। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आई मीन जब आपको प्यार होता है ना किसी से तो आपका दिल चाहता है उससे बात करने को, उसके साथ रहने को, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को, तो ये तो हो जाता है ना, ये आपके बस में नहीं होता। तो कभी तुम्हें कोई लड़की अच्छी नहीं लगी, मतलब कभी तुम्हें ऐसा किसी के साथ फील नहीं हुआ? शायद। तो बताया क्यों नहीं है? सोच रहा हूँ कि बोल दूँ। तो बता दो, सोच क्यों रहे हो? मैक्स क्या होगा, जवाब दे देगी या फिर तुम्हारा करियर बन जाएगा? हाँ अगर शादी ना भी करे तो कम से कम मेरा करियर तो बन जाएगा। एग्जैक्टली, नहीं क्यों नहीं करेगी, मतलब अगर तुम उसे कहोगे मैं तुम्हें शेयर देता हूँ उसमें से, तो 100% कर लेगी, नहीं? ओके, तो तकरीबन कितना परसेंट शेयर देना पड़ेगा? आई मीन लाइफ पार्टनर बना रहे हो तो फिर 50% तो होना चाहिए ना, 50-50? 50%? या चलो फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। स्मार्ट, तो डन डील, माय लाइफ पार्टनर के लिए डन डील।
Thank you. तो पता महज 6 दिन रह गए, उसके बाद तुम फाइनली अपने घर जाना और मैं यहां जुल्फी के साथ। हेलो, क्या पापा आप कराची पहुंच गए? क्यों, मतलब कहां स्टेशन लेने आ जाए? हेलो पुपो, कराची लेने जाओ। क्या? यस। हाय, मैं क्या जी, वंस मोर तड़े पापा जी ने साड़ी रानिया नु कबूल नहीं किया, तानू जायदाद तो आग करके किक मार दिती है। ओ है, ये ते रौला पै गया जी। ते ए फ्लैट ये मेरे दोस्त का है। ते किंज नो होवे मुंडे नु हार्ट अटैक। पुत्र जी हैव नो फियर, पापा जी इज हियर जी। मैं ना ताड़े ने एक स्पेशल फक्की बनाई है दिल वास्ते। ओ हकीम आशिक साहब ने ना उन्होंने ए जरा बैग ते फड़ना। ए तुसी रहंदे, तुसी रहंदे, तुसी नहीं जाना, तानू ते हार्ट अटैक होया। तुसी आराम नाल बहो, तुसी कोई जाके लेके आना बैग, मेरा मुंह वेखी जा रही है। बंदे अपने नु आराम करन दे, ए स्पेशल फक्की है। 3 वारी सोण तो पहला ते 3 वारी उठन तो बाद तुसी ए फक्की खानी है, ते फिर तुसी देखना ताड़ा दिल जेड़ा है ना ओ वाटर पंप वांगो चलेगा। ए लो। प्रिया बहु बहुत बहुत शुक्रिया। हाय हाय, शुक्रिया कादा भाई, शुक्रिया ते तेरा पुत्र। तू अपने मां बाप नु छड़िया, घर पार छड़िया, साड़ी कुड़ी वास्ते ऐप खानी है, ठीक है? ते एदे नाल फिर तुसी टेंशन नहीं लेनी, इनू खा के आराम रेस्ट करना है, ठीक है? बल्कि तुसी इंज करो ना, जरा देरी ना थोड़ा रेस्ट कर। मैं लेट, हां मैं लेट, बिल्कुल। मैं भी यही सोच रहा था, वाकई बिल्कुल बिल्कुल। हां मुझे वैसे भी ना सुबह से बड़ी बेचैनी हो रही। हाय मैं मर गई। ए की है फास्ट फूड? तेरा दिमाग ते नहीं चल गया? बंदे तेरे नु हार्ट अटैक होया ते तू नु बाहर दा खाना खिला रही है? घर दा खाना कौन बनांदा है? अप्पू ये तो मैंने अपने लिए मंगवाया था। बस चुप, चल मेरे नाल किचन जा। आज तो बाद में देखिया ना एहो जे खाने खिलाए इनू, ते फिर मैं जुत्ती ला लेनी अपनी। चल, ते तू खाना नहीं बना सकदी इतने बंदे लई? अप्पू मुझे नहीं बनाना आता ना खाना। ते आओ ना, तन्नू रोटी चावल बनाना सिखावा, आओ। ए किचन दा की हाल कीते लग रहे, कुत्ते बिल्ली नच के गए ने इथे। देखो तो मेरी सिचुएशन से बाहर उठाने की कोशिश कर दो। पता नहीं कोई सब्जी होएगी, कोई दाल छाल बना लो। शुक्र है सब्जी पई है, छेती छेती बनाई है। ए की कीते कुड़िए, किचन दा हाल वेख, इधर आ बर्तन धो फटाफट। चल मेरा बच्चा। तो मुझे नहीं आते धोने। ओ इधे च केड़ी कोई रॉकेट साइंस है, छेती नाल तो इधे च कॉलेज डिग्री दा कोई काम नहीं। चल चल। नहीं तेनू ते पता है मैं 3 पीस नहीं पांदी, मैनू सादी सलवार सफेद होए, दुपट्टा भी सफेद होए, फिर अच्छा लगदा सारा ना। नहीं सेल किथे लगी? ओए एक एक जोड़ा ऐ ते बड़ी सस्ती लग गई। फिर होर किन्ने लिते ने? हां हां 12। मामी जी ने भी ले ले। मैं एक मिनट बाद इच करा तेनु फोन, जरा मैं जरा एक मिनट है, जरा काम आ गया मेनू। हैं ए की हो रहा पुत्र? वो सारा काम खत्म कर लिया, अब सोने लगे हो? एथे किथे सो रहे हो तुसी? मैं यूं सोती हूं। को बेटा जी उठो, इधर अंदर चलो। शाबाश, कमरे जाओ। वो क्यों? कोई लड़ाई झगड़ा कीता शोर नाल? की कीता है? लड़ाई? हां हसन से लड़ाई है मेरी। वो तंग करता तेनु? बहुत तंग करता है, बहुत रोब जमाता है मेरे पे और पता नहीं क्या क्या। हाय हाय हाय, ये तो बड़ी गलत गल हो गई फिर। हाँ ना ना पुत्र, वो की करे बेचारा, उन्हें तेरे वास्ते सारा कुछ ते छड़ दिता है, अपने माँ प्यो तक छड़ के बह गया। एक तो मैंने समझ नहीं आती अजकल दी कुड़िया दी, शादी तो पहले ही सारा कुछ चंगा लग रहा होता है, ब्याह होंदे नाल ही नखरे चढ़ जाते। उठ, मैंने तो कुड़िया दी समझ नहीं आती। मेरे उन्हों का तो ना मुझ पे बड़ा रोब है, बिल्कुल संजय दत्त लगते हैं। उठ जाके, उठ के माफी मांगो। देखो लो अंदर कमरे। यार बुप्पो सोने देना यार। बेटा जो मैनू समझ आ रही है मैं चित्र लाके तेनू समझा देनी है। तेरे प्यो ने मैनू कहना है इन्हें रिश्ता कराया है इसलिए ये गड़बड़ हो रही सारी। पर वो जमाते माफी मैं मांगू, क्या हो गया? उठ, मैनू नहीं पता। चल शाबाश, ए बिस्तर ए तकिया मैं लेके जाना। चल चल चल।
خیر تو ہے؟ سوری ہیں کس بات کا؟ او ہو سوری بندہ ایویں کہہ دیندا ہے، اودا کیڑا بل آنا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ کچھ نہیں، انہوں معاف تے کر دیو نا، غلطی ہو گئی بیچاری کولو، ماں نے سی نا اس لیے ساڈے لاڈ پیار نے انہوں بگاڑ دیتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے کافی بگڑی ہوئی ہے، ٹکے کا کام نہیں آتا اس کو گھر کا۔ اے بھی کوئی گل نہیں ہے، کام کر لیندی ہے بیچاری ساڈی بچی، تھوڑا بہت سیکھ بھی رہی ہے نال نال۔ انہوں لگ رہا سی نا کہ تہاڈے ماں پیو نے تانوں گھروں کڈ دیتا ہے نا، تسی لاوارس ہو گئے ہو، اینوں ذرا دسو کہ اج تو میں تہاڈی ماں۔ پتر جی میں کیا ٹھیک ہے؟ کی ہویا؟ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا چلو اینوں دس دیو، اج تو بعد تینوں کچھ کہے گی نا تے پھر میں جتی لا لینی ہے، دسو۔ ٹھیک ہے پتر، اے تنگ کرنا تے مینوں فون کر دیں، ٹھیک ہے؟ کڑیے ہن مینوں لڑائی دی آواز بارنا ہے، میں آرام نال ذرا فلم دیکھنی ہے۔ تم نے جو ایموشنل ایکٹنگ کر کے پھوپھو کو اپنی سائیڈ پہ کر لیا، میں تمہیں بتا رہی ہوں تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اس کا۔ سنو، جب تک پپو نہیں تھے نا تم گند مچا رہی تھی اور میں ماسی بنا ہوا تھا، اب جب تک پپو یہاں ہے میں صاحب ہوں اور تم ماسی۔ گڈ نائٹ۔ مائی فٹ، بیڈ خالی کرو، کہیں بھی جا کے سو، اٹھو یہاں سے۔ او ہیلو، یہ میرا بیڈ ہے، تم جاؤ گی اور۔ فائن، تو میں بھی یہیں سو۔ ہیلو، یہ میرا بیڈ ہے، میں یہیں سو رہا ہوں۔ وٹ ایور پپو۔ پپو چلی جانا، پھر تمہیں پوچھتی ہوں۔ اب تیرا شکر۔ اٹھ جائے، ناشتہ بنانے کا ٹائم ہو گیا۔ یار وہ کیا کر رہی ہے؟ اوہو پتر، میری گل نا ایک کان کھول کے سن لے، جڑا اچھا شوہر ہوندا ہے نا، جس طرح وہ اپنی بیوی دا خیال رکھدا ہے نا، اسی طرح اچھی بیوی نو بھی چاہیدا ہے کہ اپنے شوہر دا خیال رکھے، او دے کپڑے استری کرے، توئے گھر نو صاف رکھے، اونوں ناشتہ بنا کے دے۔ ایک دوجے دی عادت پے جاندی ہے اس طرح، پھر ایک دوجے بغیر گزارا نہیں رہندا۔ یار بپو اپنا ناشتہ خود بنا لیتے ہیں وہ۔ ارے او ہو، اٹھ اٹھ کے ناشتہ بنا کے دے، میں جتی لا لینی تھلے۔ اچھا بپو اٹھ رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، پانچ منٹ باہر آ۔ رانیا آئے بپو۔ کیا مصیبت ہے بپو۔ چھتی چھتی کرو، کی ہو گیا پتر جی؟ لا رہی ہوں پپو۔ تو ذرا ہاتھ پیر ذرا تیز سے چلاؤ نا۔ اے پراٹھیاں دا کی کیتا ہی؟ اے پراٹھے بنائے نے؟ وہ آپ کو پتا نا مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو سے جا رہے ہو ناشتہ کر کے جانا، تاڑی مسز نے بنایا ہے۔ اچھا اچھا، یہ میری مسز نے بنایا ہے، نظر آ رہا ہے۔ پہلی باری بنایا ہے نا تو معاف کر دے، ہو سیکھ رہی ہے، سیکھ جائے گی اور اچھا ناشتہ بنا کے دے گی۔ چلے کوئی بات نہیں۔ بالکل انشاءاللہ بالکل سیکھ جائے گی، لیکن پپو میں ضرور ناشتہ کرتا، آج نہیں کر سکتا، آج میں نے ایک نئے کام کے لیے جانا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے رومانٹک کہانیاں لکھنی چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج سے خیر ہے، پر میرے نہ وعدہ کرو آئندہ تسی دونوں نے ناشتہ کر کے کوئی اور کام کرنا ہے، وعدہ کرو فٹا فٹ۔ پکا وعدہ کرو۔ پپو میں اب سو جاؤں۔ تسی پہلے برتن تو چکو نا، ادھروں چیزاں شو، ہاں چکو ادھروں۔ ہاں اور پپو ساتھ ہی ساتھ اسے کہنا اس کمرے کی نا پنکھے کی صفائی کر دے۔ کیوں جی، اتنے لمبے ہو گئے تو پنکھا خود صاف کرو نا، میں کیوں کروں؟ پپو دیکھیں کوئی طریقہ اپنے شوہر سے بات کرنے کا۔ اوے نہیں اڑیے، اس طرح گل کری تھی شوہر نال، چپ۔ تسی جاؤ جی، ٹینشن نہ لاؤ، نو فیئر، پپو از ہیئر جی۔ بالکل بالکل، سمجھائیں اسے،
इधर आओ ना। ओ चुप कर सारा कुछ, चलो शाबाश। हले तक कुछ भी नहीं किया, शुरू किया चुको बर्तन धो के ते अंदर गल करनी ताडे नाल, दिमाग ठीक करा ताडा। बेटा जी बर्तन धो के रखने ने। आपके वापिस आ जाने के डर से मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। किन्नी बगैरत होगी, वेखी जरा टूटे मुंह नाल एक बारी भी नहीं किया कि दो चार दिन होर सुपर रुक जाओ। मैं मिस करांगी तानू, मिस करूंगा। हाय फूफा, रहने दे, ये आपको मिस करे ना करे, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं तो कहता हूँ एक दो दिन और रुक जाता। हाय पुत्र, तू बीमार थी इसलिए रुक गई, असी नहीं कुड़ी दे कर रहे, अच्छा नहीं चंगा नहीं समझ। हाँ फूफा, मैं निकल गई। ठीक है, तो एक गल हो सुनी जी, घर का ध्यान रखना। बाय जी, बाय बाय। हाय फूफा, अल्लाह हाफिज़ फूफा। अरे क्या कह रहा था, तो ये कह रहा देखो अच्छी बात होती है, देखो मेहमानों का घर पे आना अच्छी बात होती है। मजाक नहीं कर रहा था, फूफा अगर रुक जाती कुछ दिन तो अच्छा होता। हाँ फूफा भी तुम्हें काफी पसंद करने लगी थी। हाँ बहुत क्यूट है यार। है तो सही। मुझे बताओ फूफा ने आज तक शादी क्यों नहीं की? जब भी रिश्ते आते थे रिजेक्ट कर देती थी, फिर ऐसा ऐसा रिश्तों ने इनकार करना शुरू कर दिया। वैसे दिल की बात अच्छी है वो। हाँ ये तो है, वैसे शायद उनको भी किसी ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ जाना चाहिए, कि बचाने आता और वो ही फंस जाता। वेल अब हर लड़की इतनी लकी नहीं होती। अच्छा जी, तो आप ये मानती हैं कि आप बहुत लकी थी कि मैंने आपको बचाया। मतलब ड्रामे के अलावा देखे जाए तो बाकी सब तो ठीक है, मैं जिंदा हूँ, तुम बड़े राइटर बनने जा रहे हो, सो फार सो गुड, नो? यस। बात पूछूं? पूछो, दो पूछो। रिकी की याद आती है? वेल, ट्रेन की पटरी से अब तक कितना कुछ हुआ है, शादी, झगड़े, शिफ्टिंग, फैमिली है ना? और अगर वो दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगी? जान से मार दूंगी। नहीं, मुझे यकीन है तुम भाग कर उसके पास चले जाओगे। क्या तो ठीक रहे हो, हम लड़कियां ना इमोशनल फूल्स हैं। कंट्रोल नहीं होता हमारा अपने पे, पर ऐसी गलती मैं जिंदगी में करूं तो मुझे बस मैं रोक भी लूंगा। देखो रानिया, तुम जिंदगी में जिस जिसके साथ भी सेटल हो, प्लीज किसी ऐसे बंदे के लिए सेटल मत करना जो जिंदगी के इतने अहम स्टेशन पर तुम्हें छोड़कर चला जाए। तो मैं तो कहता हूं तुम्हें अपनी सिम बंद कर लेनी चाहिए, मगर मैं किस हक से रोकूंगा तुम्हें?
हाँ हाँ, जब खुदकुशी करी थी तो किस हक से रोकने आए थे? हे मजनू, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया ना, हस्बैंड भी नहीं करते। well, एक बात है, देखो मैं तुम्हारे करियर में ब्रेक देने जा रही हूँ तुम्हें, तो तुम्हें मेरा फायदा है, मुझे तुम्हारा, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। तो क्या करते हैं, इस रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, लाइक बैड टाइम गुड फ्रेंड्स, कैसा? बैड टाइम गुड फ्रेंड, नाइस नाइस नाइस, आई लाइक इट। तो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी, सिंपल। हाँ तो इस लिहाज से तो मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों यार? वो मैंने कहा था ना प्रोड्यूसर्स को कि मैं उन्हें रोमांटिक स्टोरीज लिख के दूंगा, तो उन्होंने कुछ आइडियाज मांगे हैं। दैट्स गुड। तो चूंकि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, इसलिए मुझे नहीं पता कि रोमांटिक आइडिया क्या होता है। हाँ तो लव स्टोरी सारी एक जैसी होती है, इसमें क्या मुश्किल है? लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, झगड़े होते हैं, फिर शादी हो जाती है, सिंपल। हाँ लेकिन मैं इस तरह सिंपल करके प्रोड्यूसर्स को तो नहीं कह सकता, मुझे कोई ना कोई आइडिया तो देना पड़ेगा उन्हें। आइडिया? अब इतनी जल्दी आइडिया कहाँ से लेकर आए? चलो ठीक है, फिर मैं मना कर देता हूँ उन्हें। सुनो 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 सुनो, अपनी कहानी दे देते ना, अपनी कहानी। अपनी कहानी? हमारी कहानी, मतलब एक लड़की ट्रेन की पटरी पर अपनी जान दे रही है, उसे लड़का मिलता है, उन्हें प्यार हो जाता है और फिर शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो एक साथ रहने लगते हैं, कैसा? एक मिनट एक मिनट, लड़की को प्यार हो जाता है? प्यार प्यार हाँ, मतलब नहीं, मतलब कहानी को थोड़ा सा बनाने के लिए उसमें थोड़ा मसाला डालना पड़ता है, और लव स्टोरीज में हमेशा ऐसा होता है कि हाँ, नहीं मैं वो समझ गया, थोड़ा मसाला डालते हैं, एग्जैजरेट करते हैं बात, या और प्यार हो जाता है। हाँ लव स्टोरीज में तो प्यार हो जाता है, तो हाँ तो तुम ऐसी चीजें डाल देना और अच्छी कहानी बन जाएगी, कैसा? ठीक है। वैसे मिर्च मसाले तो तुम्हारे अब्बा ने बड़े डाले भाई इस कहानी। ओए मेरे अब्बा को कुछ ना कहना, बुरे इंसान नहीं है। हाँ थोड़े से सख्त हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पता क्या, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, दादी अम्मी फूफो सब मुझे इतना प्यार करते थे, बिगाड़ा मुझे और मैं बिगड़ी हुई हूँ, मुझे पता है। तो अब्बू को ये होता था शादी के बाद पता नहीं इसका क्या बनेगा, अगले घर जाके क्या करेगी, तो थोड़े से मेरे मामले में सख्त है, पर दिल के बुरे नहीं है, हमेशा अच्छा फैसला करते हैं, मुझे पता भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं स्टूपिड हूँ, गलत फैसले कर जाती हूँ। बात बोलो, तुम्हारे अब्बू हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें तुम पर इतना भरोसा है कि तुम जानबूझकर कभी उनको नहीं दुखाओगे। मैंने तो दिल दुखाया ना उन्हें स्टूपिड बाप प्यार के पीछे, इतनी बड़ी गलती की ना, क्या है यार ये प्यार शार, क्यों मैं भाग गई घर से, आई फील सो बैड, सीरियसली बहुत बुरा लगता है मुझे, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे, किसी की खातिर आप अपना घर छोड़ देते हो, अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हो, आई फील सो बैड, गलत किया ना मैंने। क्या देख रहे हो? What? ये देख रहा हूँ कि तुम जितनी बेवकूफ लगती हो वो नहीं। ओके, अब ये मेरी तारीफ है या फिर बेइज्जती? जो भी समझ लो। अब आप मुझे कॉफी पिला रहे हैं या फिर हाँ ड्रामा खत्म, फूफो चलेगी, ड्रामा खत्म, ओके कॉफी बनाओ मेरे लिए, चलो कॉफी बना के लाओ, जारे साफ करो ये करो, चलो कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। ओके ओके, टू कॉफी इज कमिंग अप। यस। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने घर पे मुझे टाइम दिया। वो घर पे टाइम दिया, बुलाया इसलिए कि तेरी स्टोरी में बड़ी जान है, बड़ी अच्छी स्टोरी है तेरी, लेकिन मुझे एक बात बता, तेरे जैसा आदमी
अरे कैसे लिखेगा लव स्टोरी, ना ही तेरी जिंदगी में फीलिंग्स है, ना ही कोई रिलेशन, ना ही कोई इमोशंस, कैसे करेगा तू? मैं तो कहता हूँ क्राइम स्टोरी लिख, तू बने क्राइम स्टोरीज के लिए, यकीन नहीं आ रहा ना? अरे किसी दिन मार किसी को छुरी, देख कुछ महसूस नहीं होगा, सही बता रहा हूँ मैं तुझे। सर ऐसा तो ना कहे, मैंने कब किसको मारा है? अरे तू बैठ मेरे पास, बैठ बैठ। देख भाई तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ना क्राइम स्टोरी में बदल दे। देख लड़की मिली लड़के को ट्रेन में, लड़के ने किया निकाह का वादा, कराची ले आया, मार के फ्रिज में फ्रीज कर दिया, अब डेड बॉडी से रोज बातें भी करता है। क्या कहता है? देख तेरी स्टोरी का नाम भी आ गया, सफर ट्रेन से फ्रिज तक का। क्या कहता है? मैं तो कहता हूँ डन कर बस। सर लेकिन वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन मैंने मैंने शादी कर ली है। क्या? नहीं नहीं जी सर, और वो भी लव मैरिज। अबे क्या कह रहा है तू और शादी? मैं नहीं मानता। नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ओ तेरी क्या पीस है यार, मेरा मतलब है क्या खूबसूरत लड़की है यार। यार इससे क्यों नहीं पूछता, ये करेगी एक्टिंग? नहीं सर ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करेगी, लेकिन इनका दिमाग बहुत चलता है, ये मेरी हेल्प करेंगी लव स्टोरी लिखने में। अच्छा खाना वाना बना लेती है? अच्छा हाँ सर बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे तो फिर बुलाना यार घर पे, कोई दावत शावत कर मेरी। जी सर जरूर क्यों नहीं। तो फिर डन हो गया मेरी जान, तू एक काम कर लिख अपनी लव स्टोरी, मैं आता हूँ नेक्स्ट मीटिंग तेरे घर पर, एडवांस चेक के साथ आऊंगा मैं। वाकई? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है भाई। जी सर अल्लाह हाफिज, थैंक यू। बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना जुल्फी एक मसला हो गया यार। तू एक मसले की बात कर, मैं 10 मसलों में गिरा हुआ हूँ यार, बहन के घर नहीं जा पा रहा, पार्कों में जलील हो रहा हूँ मैं। मेरी जान मुझे लगता है मुझे रानिया से प्यार हो गया। तुझे पता है इसका क्या मतलब है? यार इसका मतलब है कि मुझे अपनी बहन के घर रहना पड़ेगा। अबे यार मैं तुझे अपने दिल का मसला बता रहा हूँ, तुझे अकोमोडेशन की पड़ी है। वो तो मुझे पता था कि तू घटियापन करेगा। क्यों तुझे कैसे पता था? यार जाहिर है एक फकीर के आगे मटन बिरयानी रख दो टूटेगा नहीं। वो इलाका जहाँ सदियों से खिजाओ बाहर आ जाए तो वहाँ फूल नहीं खिलेंगे और अगर कुत्ते के आगे खीर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है समझ आ गई तेरी तशबीहात, आगे बढ़। यार वैसे सही बताऊं तो सही कह रहा है, भाभी है इतनी प्यारी कि अगर मैं भी होता ना तो मुझे भी प्यार हो जाता। अच्छा कोई हल बता मुझे। यार तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मेरे पास गर्लफ्रेंड की लाइन लगी हो। एक तो लड़कियां मुंह लगा लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो 30 मार खाऊं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दोस्त किसी काम तो आते हैं ना, कुछ तो बता। मेरी बात सुन, सीधे जा और बोल दे कि तू प्यार करता। अगर वो भी प्यार करती है तो बच्चों के नाम और स्कूल डिसाइड कर लेना, नहीं तो दरवाजा खोल और बाहर निकाल दे। ये शायद प्यार करती है या नहीं करती, इसके चक्कर में फंस के ना रहना, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ
क्या तू ठीक रहे? चल ये बात मैं क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड जोन में ना रहना, वॉर जोन से ज्यादा खतरनाक होता है ये फ्रेंड जोन। एक ही बार में क्लियर कर, प्यार करती है या नहीं। खून मत चूसने दे उसको अपना यार। हाँ हाँ बे बता दूंगा तुझे। चल ठीक है मैं रखता हूँ। ओके आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। वीडियो देख रही थी मैं। तुम यहां बैठी हो, कब से तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रहा हूं मैं यार। कहां थी तुम? तुम्हारे घर गया था मैं, वहां जाके मुझे मालूम हुआ तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर तुम्हारे पुप्पो से मिला, उनसे मैंने झूठ बोला कि तुम्हारे शौहर का मैं दोस्त हूं, तब जाके मुझे यहां का एड्रेस मिला। देखो रानिया, मेरी बात का यकीन करो, उस दिन मैं स्टेशन पे आ रहा था, बस रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मेरे पास बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फिर उससे मेरी मुंहमारी शुरू हो गई, उसके बाद उसने मुझे लॉकअप में डाल दिया। बेसिकली ये फर्जी शादी थी, खत्म कर दो इसे। तुम्हारे लिए फर्जी शादी होगी ना, मेरी प्रॉपर शादी हुई है विक्की, तुम्हें समझ आ रही है इस बात की? और शादी को मजाक नहीं होता। रानिया तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना, ना मुझे समझ आ रही। प्लीज यहां से जाओ। तुम मजाक कर रही हो। मजाक मैं नहीं करी, मजाक किस्मत मेरी जिंदगी के साथ कर रही है। तुमसे कहा था कि शादी की बात करो घर वालों से, तुमने की नहीं की। तुम स्टेशन नहीं पहुंचे, मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ, उससे शादी हो जाती है मेरी, मैं मजाक कर रही हूँ। You know what, Vicky, please तुम यहाँ से जाओ। Please go। देखो रानिया मेरी बात सुनो। प्लीज let me think about it। अब हम बात करते हैं। ठीक है हाँ बाद में बात करते हैं। हाँ वो मैं वैसे गया था छोटे से काम से, और तुमसे एक छोटी सी बात भी करनी थी। तो वो बात कुछ यूं है रानिया के, कभी कभी जो चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनका हम इरादा नहीं करते, लेकिन उनके हो जाने के बाद कुछ एहसास होता है कि शायद वो ठीक हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ नहीं देख। हाँ देखी। हेलो बोलो। विकी जा रहे हो क्या? हाँ मैं वो प्रोड्यूसर से मिला था। कब तक आओगे? थोड़ी देर लग जाएगी, क्यों खैरियत? नहीं मैं ऐसे पूछ रही थी। ओके कुछ चाहिए? नो थैंक यू। ओके बाय बाय बाय।
कि तुम क्या कह रही हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। 3 साल का रिश्ता है हमारा, 3 साल का रिश्ता। क्या क्या सोचा हमने हमारे बारे में? कुछ सोचो अपनी फैमिली के बारे में यार, हमारे बारे में सोचो। आई लव हिम। क्या क्या कहा तुमने? प्यार हो गया उससे। तो मजाक कर रही हो ना? नहीं, सच में प्यार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई एम द वन फॉर यू, मैं तुमसे प्यार। हाय हसन। विकी, रानिया का बॉयफ्रेंड। नाइस टू मीट यू। आओ बैठो। नहीं नहीं, यू गाइस कैरी ऑन, मैं जाता हूँ। कुछ चीज चाहिए? मैं आऊँ? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देखो रानिया, मेरी बात सुनो। जाओ तुम। लुक प्लीज, जाओ। ठीक है, जस्ट लीव, गो। गरम गरम चाय, सैंडविच और पापे। I'm sorry. You should be. तुम्हारी वजह से मैं पिछले 1 घंटे से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि चाय के साथ पापे खाऊं या सैंडविच। मुझे बोलते मैं बना देती। कोई बात नहीं, अब कुछ ही दिन रह गए तुम्हारे यहाँ, तो अच्छी बात है, मुझे अपने काम खुद करने की आदत हो जानी चाहिए। समझ नहीं आ रही घर वालों को जाके कैसे बताऊंगी विकी के बारे में। फिर से मैं चाहती थी कि पहले विकी से मिलके सब कुछ क्लियर कर लूं, फिर तुमसे बात करती। कम ऑन रानी, हमारी तो फर्जी शादी थी ना सिर्फ, फिर छुपाने की क्या बात है? लगता है तुमने मेरी बीवी होने के रोल को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। काफी दिन से ये रोल निभा रही थी ना, शायद इसलिए। लेकिन लगता है तुम्हें शौहर होने की आदत नहीं हुई अभी तक ना। बीवी के पुराने बॉयफ्रेंड को देख के कोई जेलसी नहीं हुई? सैंडविच और पापे में कंफ्यूज्ड। हमारी शादी एक मजबूरी थी, इसमें क्लियर। okay.
आप रानिया और हसन को फौरन बुलाएं और सामने बिठा कर पूछें। मेरा बताया हुआ एक एक लफ्ज सच साबित होगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी कोई बात गलत है तो ये देखें, हम लोग कॉलेज में साथ थे। देखिए देखिए ये शीमो, शीमो। जी भाईजान, जी भाईजान। फौरन रानिया को इधर बुला, आज ही। हाँ हाँ फोन करती हूँ, फोन करिए। बना लिया नाश्ता? सॉरी लेट हो गई मैं। सुनो बात करनी है तुमसे। बैठो। बात कुछ यूं है कि मतलब तुम्हें तो पता है ना जो कुछ भी हुआ है और तुम्हारे सामने है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुनिए। हेलो। हाँ पप्पू, क्या हुआ, क्या हुआ दादा को? ओह माय गॉड, हम अभी आ रहे हैं। हाँ ओके ओके बाय। दादा की हालत सीरियस है, अभी जाना होगा। ओए वो पुत्र की कह रहे हैं, तुम और रानिया स्टेशन पे नहीं मिले थे? वो शादी ड्रामा थी? वो बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अंकल ये ठीक कह रहा है। लॉल वाला कुत, खानदान की इज्जत का फुटबॉल बना दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि इन बच्चों ने शादी जैसे पाक रिश्ते को समझ कर रखा है। लेकिन एक कान खोल के बात सुन लो, तुम लोगों के नजदीक होगा ड्रामा, पर वो निकाह भी असली था और वो काजी भी असली था। पाजी मैं चुप कर जा चीमा, तू भी इस ड्रामे में बराबर की शरीक है। तो मैं तो कब का इस लड़के को बगाया था और तेरी वजह से शादी हुई है। वो आंधा ना मुझे अपनी शक्ल ना दिखा, अगर तू अपनी बेटी समझती ना तो कभी भी ना करती ऐसा। चुप कर बेगाता, उन्हें तेरी चीज के पीछे ब्याह नहीं किया, तू उन्हों ही के ही जा रहे हैं। अंकल इसने पुप्पू का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती हसन की है, इसने इन्हें बेवकूफ बनाया था। अब मामला क्लियर हो चुका है, आप प्लीज फैसला करें। क्या फैसला करूं, अपनी औलाद के हाथों इस उम्र में जलील होना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अंकल रानी ने यह सब कुछ एक मजबूरी के तहत किया है, इसमें इसकी खुशी तो नहीं थी। चुप कर जा बेगैरता, सारा काम तेरी वजह से खराब हुआ। अबू हसन ने कुछ नहीं किया, ये सारी मेरी गलती है। तू तो मेरे साथ बात ही ना कर, तूने तो अपने बाप का भरोसा ही तोड़ दिया। अंकल माफ करना, लेकिन आपने अपनी बेटी पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर आप इस पर भरोसा करते तो इसे यकीन होता कि इसकी पसंद को आप कबूल करेंगे, उसके साथ भागने की कोशिश ना करती है। अगर आप रानिया पे भरोसा करते तो जिंदगी के ना आने के बाद ही आपके पास आती, अपनी गलती का एतराफ करती, आपसे माफी मांगती। अगर ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश ना करती, बच्चे तो सारी जिंदगी गलतियां करते हैं अंकल, लेकिन वो जानते हैं कि जिंदगी के तूफान में उनका साहिल उनके मां बाप हैं। कुछ ना कुछ भरोसा तो आपने भी तोड़ा है जिब्रान साहब। बेटा जिस दिन तेरा निकाह हुआ था तूने उस दिन सच क्यों नहीं बोला? ये मेरी गलती है, मगर सच ये है कि मैं एक यतीम हूं। जिंदगी भर कभी मां बाप बहन भाई का प्यार मिला नहीं,
उस दिन मैं आया था आपके पास आपको सच बताने के लिए, लेकिन लेकिन आपने मुझे गले लगा लिया और इस कदर प्यार और मोहब्बत दी कि मैं उसमें बह गया था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि एक यतीम आखिर यतीम ही होता है। बेटा बात सुन, तुम मेरे दादा का है ना? रुक जाओ, ठहर जाओ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बाप अपने बच्चों को मुकम्मल इंसान बनाने की धुन में सालों साल लगे रहते और इस धुन में उन्हें यही पता नहीं लगता कि वो खुद कितने नामुकम्मल माँ बाप बन गए। अपने बच्चों से दूर हो जाते उन्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन माँ बाप बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं ना उनके हक में ही होता है और आपने भी जो कुछ मेरे लिए किया है मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा है। मैं ही पागल हूँ जो उस बात में आकर गलत फैसले कर जाती हूँ, माफ कर देना। अभी आप जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए मुझे कबूल है। सोच ले। सोच लिया। जो भी फैसला कहूंगा मानेगी? पक्का। पत्थर मेरा, अब तूने खुश कर दिया मुझे, पर इस बारी फैसला तेरे ही होगा। हाँ, मुझे अपनी लड़की पे पूरा भरोसा है और जो भी फैसला करेगी ठीक ही करेगी। मेरा बच्चा। सब क्या हो गया? वो प्लीज
प्लीज आई होप यू नो कि जो कुछ भी हुआ मेरी नीयत किसी को दुख पहुंचाना नहीं थी। पता है मैंने। वो भी विकी को चाहती है और ठीक है वो उसके लिए बेहतर है, वैसे भी मेरी और उसकी शादी तो सिर्फ एक मजबूरी थी, सिर्फ एक झूठ था, तो इसलिए अच्छा हो गया सब कुछ, सबको पता चल गया। बस प्लीज मेरा एक फेवर कर देना, ये खत मैंने रानिया के लिए लिखा, ये प्लीज उसको दे दीजिएगा, और ये उसकी अमानत थी मेरे पास। आपने मुझे अपना बेटा कहा था, अगर हो सके तो प्लीज मुझे अपनी नजरों में गिरने मत देना और अपना बेटा समझती रहना। मैं जा रहा हूं, जब बोलोगी तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा, फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें नई जिंदगी में खुश रखे, लेकिन मेरा खुश रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई थी, तुम्हारी गंदी चाय, तुम्हारे पापड़ जैसे पराठे, तुम्हारा घर में जगह जगह गंद करना और फिर मेरा उस पर शोर करना, रोज सुबह उठकर तुम्हारा बिना मेकअप के चेहरा देखकर डर जाना, ऐसा लगता है जैसे एक छोटी सी नेकी थी जिसे करके मैं डूब मरा। जस्ट किडिंग, कुछ दिन ही सही, पर तुमने मेरी जिंदगी में आकर रंग भर दिया, शायद बाकी जिंदगी के एक एक दिन तुम्हें मिस करूं। आई होप यू विल मिस मी टू, तुम्हारा बैड टाइम का बेस्ट फ्रेंड। रानिया, क्यों है पुत्र? ये खत लिख के गया मेरे लिए, एक पिछली बात नहीं लिखी, गन डालती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो तू केड़ा सुगण है, परेशानी वाली की गल है? ओ जी, ये जो हसन है ना, प्यार हो गया है। एथे गल करो मेरे नाल, एक बारी ना ठंडी लस्सी पीकर डिसाइड कर लो, ए सच्ची मुच्ची वाली मोहब्बत हो ये या फिर कोई एक्टिंग चल रही है? वो पहले पहले एक्टिंग चल रही थी, ड्रामा चल रहा था, सच में प्यार हो गया, मैं क्या करूं? अरे ते उस मनुस मारे विकी दा की करना हुण? वो प्यार पहले हुआ है, विकी बाद में आया, और मैंने ये बात विकी को बताई थी, उसको सारा सच पता था, वो जानबूझ कर घर वालों को आके सब कुछ उससे बताया। तो मैंने क्यों नहीं दसया तू? वो इसलिए नहीं बताया कि मैं ना हसन के गले का ढोल हूं, जबरदस्ती कर ली ना, प्यार थोड़ी ना करता, अगर प्यार करता तो मुझे बताएं कौन लड़का एक लड़की के बारे में ऐसी बातें लिखता है, एक भी अच्छी बातें लिखी, एक अच्छी बात लिखी हो तो मुझे बताएं, ये किस किस्म का प्यार है, मुझे नहीं समझ आया। एदे च केड़ी गल गलत लिखी उन्हें, सब कुछ ठीक तो लिखी है, तू इंज दी है, उन्हें तेरी हर चीज याद है ना। मैनू एक गल दस, तेरा दिल कित्थे गिटिया ते नहीं चला गया? वो केड़ा लड़का है जेड़ा लड़की की हर चीज से हर गल नू याद रखता है? तुसे गौर से देखता है। और केड़ा मुंडा है जेड़ा लड़की नू गौर नाल वेखदा है ते क्यों वेखदा है? आए हाय मैं मर जा किथे जावा, तेनू ते व्हाट्सएप ते फेसबुक ने भी कुछ नहीं सिखाया। चलो ओ, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि उन्हें तेनू ते विकी नू नाल वेख लिया सी। ओ माय गॉड, ना तू कभी उन्हें कहे कि तू उन्हें पसंद करती है या उन्हें कोई गल कीती है? ते ओ माय गॉड ते होना ही सी ना, इतने तू बैठ के शर्मा रही है, उत्थे वो मुंडा शर्मा रहे है, सानू पसूड़ी पाई हुई है। मेरी एक गल जरा गौर नाल सुन, दौड़ के जा ते अपने शहजादे दा हाथ फड़ ले। जाऊं पप्पो? जा मैं कह रही हूं। पक्का? मैं दो लौनियां ने अंदरों। कौन? विकी का फोन। ओहो इनू मैनू दे, इनू मैं हैंडल करनी है, तू जा। जाऊं पप्पो? हां जा जा, कह रही हूं मैं, जा 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 जा। अगर आप खुदकुशी करने के इरादे से आए हैं तो ट्रेन को आने में 3 घंटे हैं।
नहीं, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा। शक्ल से तो ऐसे ही लग रहा है। क्यों आए हो यहाँ? छोड़कर जा रहे हो? कल आपके पेपर्स पे तुम्हारे अब्बू साइन करेंगे। पर इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि ट्रेन को आने में 3 घंटे हैं, तो हम यहाँ बैठ के गपशप लगा सकते हैं। ढाबे की ऑफर इसलिए दे रही क्योंकि मिस हो जाएगी तुम्हारी ट्रेन, और मैं नहीं चाहती कि इस बार तुम्हारी ट्रेन मिस हो। सिट। सो मिस्टर हसन, मेरे पास कुछ सवालात हैं। वो जो खत आप मुझे दे के गए थे उसके हवाले से। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसके मरीज बहुत सारी तादाद में है लेकिन लोगों के पास उसका इलाज फिर भी नहीं है? एड्स। लबेरिया। यानी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो रिएक्शन। तो मेरा अगला सवाल, उस लड़की को कचरा डालने की आदत थी। शुरू शुरू में आप उसको डांटते थे, फिर आपने डांटना छोड़ दिया, लेकिन उस लड़की ने कचरा डालना नहीं छोड़ा। कभी सोचा कि क्या वजह थी वो ऐसा करती थी? अब इतनी भी बेवकूफ और स्टूपिड नहीं थी ना वो, क्योंकि उस लड़की को डांट खाने की आदत हो गई, और मेरे तजिए के मुताबिक उस लड़की को भी आपसे मोहब्बत हो गई, और आप इतने लूजर हैं उसे छोड़ कर जा रहे थे। अब भरे स्टेशन में सबके सामने अगर आपने घुटने के बल उस लड़की को प्रपोज ना किया तो वो आपके साथ कराची नहीं जाएगी। इतना ड्रामा सबके सामने क्यों कर रही? क्योंकि ये मेरी लाइफ की स्टोरी है और मैं इसकी हीरोइन हूँ। हर लव स्टोरी में हीरो हीरोइन को ऐसे प्रपोज करता है। आई मिस रानिया जिब्रान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे शादी करें? नहीं। तब और क्या करूं? उससे पहले तुम्हें मेरी फैमिली में एडजस्ट होने के लिए पंजाबी सीखनी पड़ेगी। आहो जी। हाँ जी। ओके। तो आपने पूछा था ना कि वो राड़ा क्या होता है? राड़ा। राड़ा means स्यापा, कसूरी, issues। बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना बिना जीना नहीं मैं।